अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन कुकिंग फॉर यंगस्टर्स किचन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हुई हूँ। बेसिकली जो के एंड एंड्स की समोसियाँ मिलती हैं, ये वो फिलिंग की रेसिपी है, चिकन समोसा। ठीक है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत क्विक रेसिपी है, रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। बेसिकली रमज़ान के हवाले से मैं जो है अपनी रेसिपीज़ आपको देने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने 6 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लेना है। ठीक है, और 6 टेबलस्पून ऑयल लेके, ठीक है, उसमें जाएंगे 2 अदद चॉप्ड प्याज। ठीक है, चॉप्ड प्याज चले गए, बिल्कुल क्विक रेसिपी है। रमज़ान में वैसे भी सब ने रोज़े रखे होते हैं तो सबको यही होता है फटाफट काम हो जाए और हम जो है इबादत की तरफ मसरूफ़ हों। 2 जो है प्याज चॉप्ड ले लेने हैं आपने, फ्लेम ऑन कर लेना। फ्लेम थोड़ा सा हाई रखना है। ठीक है, 6 टेबलस्पून ऑयल में 2 चले गए चॉप्ड प्याज, ज़रा सा सोते होगा। ठीक है, ये जो है रेसिपी आपने ज़रा हाई फ्लेम पे बनानी है। ये देखिए, जैसे ये थोड़ा सा सोते होगा इसमें जो है चॉप्ड गार्लिक जाएगा 4 बंच। ठीक है, 4 जो है लहसुन के जवे जाएंगे इसमें चॉप्ड। ज़रा सा ये हो जाए, बहुत क्विक रेसिपी है, रमज़ान के हवाले से बहुत स्पेशल रेसिपी है, इजी रेसिपी है। एक दफ़ा आप ये फिलिंग बनाएं, इसको रोल में फिल कर लें, समोसा पट्टी में फिल कर लें, बॉक्स बना लें, ब्रेड रोल में फिल कर लें, इट्स ऑल इज़ अप टू यू, इट्स योर चॉइस। बट बेसिकली इट्स द बेसिक रेसिपी जो के एंड एंड्स की जो समोसा मिलती है, जो छोटी समोसी छोटे साइज की, उसकी ये फिलिंग की रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, ज़रा सा बस सौते करना है कि प्याज का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसी के साथ ही जो है इसमें जाएगा 4 लहसुन के जवे चॉप्ड, ये चला गया। ठीक है, इसको ज़रा सा मैं हिलाती हूँ। ठीक है, ज़रा सी लहसुन की जो है बदबू ख़त्म हो जाए। इसी के साथ जो है इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आपने ले लेना है 400 ग्राम चिकन का कीमा, ये चला गया। ये आप चिकन का कीमा भी ले सकते हो, मटन का भी ले सकते हो, बीफ का भी ले सकते हो, बस मैं चिकन का ही फिलहाल यूज़ कर रही हूँ। अब जो है ज़रा सा अपने फ्लेम को स्लो कर लेना। ठीक है, चिकन बिल्कुल कच्चा है, इसके हिसाब से जो है थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर लेना। ठीक है, चिकन को अच्छे से पकाना। ये देखिए, चिकन जो है पकना शुरू हो गया कहीं कहीं से। ये ज़रा सी मुझे बोन नज़र आ रही है, वैसे तो ये मैंने खुद काटा है, चॉपर किया है, बट ये ज़रा सी बोन है यहाँ पे। ये देखिए, मैंने हो चुकी है। नॉन स्टिक पैन में हमेशा कोशिश किया करें कि आप नॉन स्टिक का ही चम्मच इस्तेमाल करें, बट नॉन स्टिक का चम्मच से भी ज़्यादा जो अच्छी ग्रिप है वो लकड़ी का चम्मच देता है, आप लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ग्रिप देता है जो है लकड़ी का चम्मच। नॉन स्टिक के चम्मच तो जो है बिल्कुल वो टॉयज ही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
इनफैक्ट जो नॉनस्टिक के बर्तन हैं वो भी, उनकी भी उम्र काफ़ी कम ही है, वो भी टॉयज ही हैं, यू नो एज अ गैजेट जस्ट। लेकिन ये कि इनकी ज़रा लुक अच्छी आती है, इस वजह से यूज़ करने पड़ते हैं। बट मेड के हाथ में जब जाते हैं, वो जब इनको वॉश करती हैं तो वो बहुत बुरा सलूक करती हैं, तो इनकी जो है उम्र मज़ीद कम हो जाती है। ये देखिए, ये जो है ज़रा ज़रा सा चिकन का कलर जो है चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब ज़रा सी जो है इसका फ्लेम थोड़ा सा मैं और स्लो कर देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल दम की आग मैंने कर दी है, ताकि चिकन में जो है किसी किस्म का कोई जो है कच्चापन ना रह जाए, चिकन जो है अच्छे से गल जाए। बेसिकली ये जो है स्पैचुला, ये नूडल्स का है, बट मैं इधर यूज़ कर रही हूँ चिकन मिन्स के साथ। आप लकड़ी का भी कर सकते हो, जिसके हाथ में जो भी सेट हो वो वही यूज़ करता है। लेकिन ये है कि नॉनस्टिक बर्तन की भी उम्र कुछ नहीं है, और ये इसके जो चम्मच हैं वो भी जस्ट लुक के लिए ही हैं, और इनका प्रोसीजर कोई नहीं है, इनका काम कोई नहीं है। ये देखिए अब जो है चिकन थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ रहा है, पहले हाई फ्लेम पे जो है इसका हमने पानी ड्राई किया था, इसको ज़रा सा हमने कलर दिया था, अब ये जो है ज़रा ज़रा सा पानी छोड़ रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल इसकी दम की आग है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देते हैं, ठीक है। फिर जो है इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। जस्ट 6 टेबल स्पून जो है ऑयल में 2 चॉप्ड प्याज गए, 6 जो है लहसुन के जवे गए चॉप्ड, ठीक है, ज़रा सा सोते हुए, साथ ही जो है 400 ग्राम चिकन का कीमा ऐड कर दिया। हाई फ्लेम पे ज़रा सा जो है उसका कलर निकाला है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, और उसी के साथ जो है बिल्कुल ये देखिए 0 फ्लेम, और इसको जो है अच्छे से टेंडर होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। ये जो है फिलिंग आप समोसा में भी भर सकते हो, रोल पट्टी में भी भर सकते हो, ब्रेड रोल भी बना सकते हो, ठीक है। बट बेसिकली दिस इज़ द बेसिक रेसिपी ऑफ केएनएनस, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मेरे पेज पर और मेरे चैनल पर और भी जो है रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, काफ़ी किस्म के स्नैक्स हैं, एपिटाइज़र्स हैं, बर्गर्स भी हैं, ठीक है, फ्राइड आइटम्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसी के हवाले से जो है शहरी के हवाले से भी रेसिपीज़ मौजूद हैं, काफ़ी किस्म की जो है कढ़ाइयाँ वगैरह भी मौजूद हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा जो है आलू गोश्त का शोरबा भी पड़ा हुआ है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये देखिए ये जो है अच्छे से बिल्कुल स्लो हीट पे टेंडर हो रहा है, आप देख सकते हो, ये देखें कहीं कहीं पे ये जो है पानी छोड़ रहा है, ठीक है। चिकन को जो अच्छे से टेंडर करना है, अब चिकन को जो है ज़रा सा मैं टेंडर होने के लिए छोड़ देती हूँ, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई लेड नहीं देना, इसी तरह से जो है इसको टेंडर करना है, ठीक है। अब इसको जो है 10 मिनट के लिए मैं छोड़ती हूँ, फिर इसका जो है आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। यस व्यूअर्स, नाउ यू कैन सी आफ्टर 10 मिनट्स आप जो है इसका कलर कम्बिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जो है अच्छे से ये टेंडर हो चुका है, 0 फ्लेम पे टेंडर किया है, ठीक है। अब ये जो है ये देखिए, अब आप इसका कलर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फ्लेम दोबारा से हाई करके, ठीक है, 0 फ्लेम किया था, अब जो है फिर से फ्लेम हाई करके इसमें जो है जाएंगे स्पाइसेस। स्पाइसेस में है 2 टीस्पून जो है सॉल्ट, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक हल्दी पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून, और 3 टीस्पून जो है रेड चिली पाउडर, ठीक है। बिल्कुल पाउडर है पाउडर डाल दें, थोड़ा सा पाउडर है तो वो भी डाल दें, बट क्रश्ड नहीं डालनी, कोशिश कीजिएगा कि पाउडर ही डले। ये देखिए इसको जो है अच्छे से मिक्स करें, स्पाइसेस डाल के अच्छे से मिक्स करके
फ्लेम जो है दोबारा से आपने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, अदरवाइज जो है आपके स्पाइसेस जल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इनको जो है अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है, ज़बरदस्त इसका कलर आप देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ जो है इसको थोड़ा सा यूँ कर लेंगे ताकि चिकन अगर कहीं पे थोड़ा थोड़ा मोटा भी है तो वो भी अच्छे से जो है बारीक हो जाए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो आपने पलटा देके ये प्रोसीजर भी करना है। अब इसी के साथ लास्ट में जो है इस पे इसमें जाएगा 8 हरी मिर्चें चॉप्ड, ठीक है, और हरा धनिया। ये देखिए 8 चॉप्ड हरी मिर्चें और हरा धनिया। ठीक है, दैट्स इट। साथ ही फ्लेम ऑफ, ठीक है, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। आप यही जो है प्रोसीजर नॉनस्टिक की कढ़ाई में भी कर सकते हैं और इस तरह से जो है इसमें भी कर सकते हैं। देखिए किस कदर ये जो है खूबसूरत फिलिंग बनी है, ये फिलिंग अब रेडी है। अब इसको जो अच्छे से ठंडा होने दूंगी, फिर जो है इसको रोल पट्टी में या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें भरूंगी। ठीक है, नाउ व्यूअर्स, अब जो है मैं आपको इसकी पैकिंग बताती हूँ। ठीक है, आपने ले लेने इस तरह से जो आपने दोनों तरफ रख लेना है। ये देखिए एक पट्टी रख के इसके ऊपर एक और पट्टी रख लेनी है। ठीक है, और आपने जो है इसका इसकी पैकिंग के लिए आपने क्या करना है, मैदा लेके उसको पानी के साथ घोल के जो है मोटी सी लई बना लेनी है। ठीक है, पहले ये जो है ये देखिए इस तरह से जो है मैंने रेडी कर ली है। ये जो है पहले नीचे वाली सरफेस पे आपने यूं लगानी है। ठीक है, ये देखिए अच्छे से लगानी है, ये ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। ठीक है, नॉर्मल हो। ठीक है, इसी के साथ जो है अब इसके ऊपर जाएगा मटेरियल, इसके जो है मिड में जाएगा मटेरियल। ठीक है, आप इसके साथ जो है समोसी भी बना सकते हो। ठीक है, यही फिलिंग जो है रोल में भी फिल कर सकते हो और इस तरह से जो है आप बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, ये देखिए ये हो गया अच्छे से। ठीक है, जो भी आपको ज़रा सा ज़ायद लग रहा है उसको साइड पे कर दें। ये एक आ गई, ठीक है, ये जो है इसका सेकंड पार्ट आ गया, ये हो गया। ठीक है, दैट्स इट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आप फिर से जो है ये लेके बैटर माशाल्लाह से पीछे जाने हो रही हैं। ये देखिए अब जो है ये थर्ड पार्ट चला गया, इसको थोड़ा टाइट करके आपने लगाना है। ठीक है, ये देखिए दैट्स इट, नाउ दिस इज द लास्ट वन पार्ट। रोल भी जो है मैंने आपको पैक करने बताए हुए हैं, उस तरह से जो है आप रोल पैक कर सकते हो। अब जो है मैंने आपको बॉक्स पैक करना भी सिखा दिया। ठीक है, ये देखिए दिस इज द लास्ट वन, दैट्स इट। ये देखिए ये हो गया हमारा जो है बॉक्स रेडी। ठीक है, यू कैन डीप फ्राई इट। ठीक है, बहुत अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह, आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल कैंडेंस की कॉपी कैट रेसिपी है, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, बिल्कुल मैं सच बोल रही हूँ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। ठीक है, अब इसको जो है आपने बहुत हाई फ्लेम पे भी जो है डीप फ्राई नहीं करना, बिल्कुल लो पे भी नहीं करना, ऑलमोस्ट जो है नॉर्मल से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है डीप फ्राई करना है। ठीक है, शैलो फ्राइंग का कोई ऑप्शन नहीं है, डीप फ्राई ही करना है। ठीक है, इस तरह से जो आप बॉक्स बना के इसको फ्रीज कर सकते हो। रमज़ान के हवाले से बहुत अच्छी रेसिपी है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 मंथ चल सकता है इजीली, आप इसको जो है अच्छे से एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से जो आपने इसको पैक करके फ्रीज कर लेना है।
ये देखिए व्यूवर्स, इस तरह से जो है आपने शॉपर के ऊपर ये सारा जो है रखना है, ठीक है, ताकि आपको जो है इसको उठाने में कोई मसला ना हो। अगर आप जो है डायरेक्ट बर्तन में रखेंगे, ट्रे पे रखेंगे, तो ये जो है इसको उठाना काफ़ी दुश्वार हो जाएगा आपके लिए। इस तरह से जो है आपने कोई सा भी शॉपर लेके, ठीक है, इस तरह से आपने जो है इसके ऊपर असेंबल कर लेना है और इसको जो है फ्रीज़ कर लेना है। जैसे ये अच्छे से सेटल हो जाएँ, हार्ड हो जाएँ, इनको जो है आपने एयर टाइट बॉक्स में रख लेना है। ओके,